What's up everyone, welcome back to the channel. तो guys, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे entrepreneurship syllabus का first chapter जो कि है entrepreneurial opportunity. बहुत ही basic chapter है, इसके अंदर सारे basics हैं और काफ़ी topics important हैं. तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कौन कौन से topic important हैं. बेसिक्स के साथ साथ आपके लिए इजी टू लर्न है. तो कल आप लोगों ने एक चैप्टर तैयार कर लिया होगा, आज हम दो और चैप्टर करेंगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आपके रात तक ये तीनों ही चैप्टर्स तैयार हैं. ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. तो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को. और जो सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेटा जी? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो कि एक एंटरप्रेन्योर होगा, उसके माइंड में कोई आइडिया आएगा, उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा और वो उस अपॉर्चुनिटी से कुछ ना कुछ बिजनेस क्रिएट करेगा. राइट, तो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, अरेंजिंग फॉर रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न गेन्स. इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है. जिस इंडिविजुअल के दिमाग में ये आइडिया आया, जो उस अपॉर्चुनिटी से बिजनेस बनाएगा, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. बेसिक, अ पर्सन हु कन्वर्ट्स अ सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड सेट अप अ बिजनेस. इसके बाद आता है बेटा एंटरप्राइज क्या है. जो एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन लिया है, जो उसने बिजनेस बनाया है, उसी बिजनेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज. द आउटकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंडेवर इज एंटरप्राइज. ठीक है, जो ब्रांड बनाए बेसिकली उसी को एंटरप्राइज बोलते हैं. नेक्स्ट क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो देखो, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर चाहिए, यानी वो इंडिविजुअल जो बेसिक सारा काम करेगा, फिर वो पूरा प्रोसेस के थ्रू जाएगा, अपने आइडिया को कन्वर्ट करेगा बिजनेस में, फिर रिसर्च डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा का सारा प्रोसेस, और लास्ट में क्या निकल के आएगा? एंटरप्राइज. तो ये चार्ट तुम कई जगह बना सकते हो, कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे ये चार्ट जरूर बनाया ना, नंबर बढ़िया मिलेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बेटा? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास हो रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है. तो अपॉर्चुनिटी कहां से मिलता है? जहां पे कुछ ना कुछ आइडिया है, जहां पे आपको दिख रहा है कि यार यहां पे ना कुछ लैकिंग है. जैसे जोमैटो को क्या दिखाई दिया, भैया खाना घर तक डिलीवर कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी था, एक आइडिया था, बिजनेस बना, है ना. आप उसी तरीके से टैक्सी में देख लो, ओला देख लो, उबर देख लो, राइट, रैपिडो देख लो, इसी तरीके से बहुत सारी ग्रोसरी डिलीवरी एप्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं जो आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं. वो सब क्या थी? वो सब अपॉर्चुनिटीज थी. इट इज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू क्रिएट अ एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट्स. वी शुड ऑलवेज कंसिडर टू थिंग्स वाइल सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी. जब भी आप एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर रहे हो तो दो चीजें दिमाग में रखना. नंबर वन, एनश्योर गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट की मार्केट काफी बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ऐसे लोग बहुत सारे होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे. दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आना चाहिए, मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उससे रिटर्न निकल के आ रहा हो बढ़िया. यू हैव टू मेक श्योर कि भैया जो पैसा मैं लगा रहा हूं उससे रिटर्न आ रहा है. ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर. दो चीजें देखनी है कि सबसे पहले मार्केट बड़ा हो, दूसरा रिटर्न अच्छा हो. ठीक है सर, समझ गए. अब देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि भैया मार्केट का स्कोप अच्छा है या नहीं है. ठीक है, वही वाली बात कि कितनी बड़ी मार्केट है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस चीजों के अंदर. तो आप बिजनेस शुरू करने से पहले हमेशा मार्केट रिसर्च करो, हमेशा मार्केट स्टडी करो, स्कोप चेक करो उसका कितना है, बिकेगा नहीं बिकेगा, चलेगा नहीं चलेगा. तो सबसे पहले क्या चेक करना है? स्कोप क्या है मार्केट में, क्या स्कोप है. उसके बाद आपके पास रेट ऑफ रिटर्न बढ़िया आना चाहिए. भाई अगर तुम अपना पैसा बैंक में रखते हो तो आजकल बैंक भी 7% 8% तक का रिटर्न दे रहे हैं. तो अगर आपके बिजनेस से भी इतना ही रिटर्न आ रहा है फिर क्या फायदा? यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रिटर्न मिनिमम 10% 12% 15% रिटर्न तो आए. तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एलिमेंट होता है, वो होता है रिटर्न, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न, वो आपका अच्छा आना चाहिए, है ना. अगर इतनी मेहनत करके भी लॉस में जा रहे हो या बैंक के बराबर रिटर्न आ रहा है फिर क्या करोगे यार, उस पैसे को बैंक में रख दो, इससे अच्छा तुम्हें रिटर्न तो आएगा. तीसरी चीज क्या होती है? प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया. आपको ये चेक करना है कि जो आपके माइंड में आइडिया है वो कितना प्रैक्टिकल है. कई बार चीजें दिमाग में तो बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो वो काफी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है.
तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके माइंड में आइडिया आया है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो, एप्लीकेबल हो, आपके लिए आसान हो उसको अप्लाई करना. देखो ईजी हो या ना हो बट प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना. चौथी चीज़ क्या है, एंटरप्रेन्योर की खुद की क्या एबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर के अंदर खुद कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से पढ़ा है या कितनी स्किल रखता है वो, कितना वो उस चीज़ को एनकैश कर पाएगा, उसकी नॉलेज कितनी है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई बार रिटर्न बहुत अच्छा होता है, स्कोप बहुत होता है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के अंदर ही दम नहीं है. तो एंटरप्रेन्योर के अंदर खुद के अंदर भी दम होना चाहिए, राइट. उसके बाद आता है फ्यूचर की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, फ्यूचर में ये बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा. तो इस चीज का भी काफी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में ग्रोथ होनी है या नहीं होनी है. ठीक हो गया. तो ये बेटा जी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आपको ध्यान रखने हैं. अब आता है स्टेजेस ऑफ एंटरप्राइज बिल्डिंग. भैया एंटरप्राइज अगर आपको बिल्ड करनी है तो उसके क्या क्या स्टेजेस होंगे. तो देखो सबसे पहला जो स्टेज आ रहा है अगर आपको एंटरप्राइज बिल्ड करना है वो है फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी. सीधी सी बात है भाई, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, सेंस करो अपॉर्चुनिटी. तो हम क्या बोलेंगे, द फर्स्ट स्टेज, ये इंपॉर्टेंट भी है, सावधान इंडिया सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसको ध्यान से पढ़ो. सबसे पहले अपॉर्चुनिटी सेंस करो कि कहाँ पे बिजनेस बन सकता है, कहाँ से पैसा कमा सकते हो, कहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे जाके अपना दिमाग लगाओगे, लोगों को हेल्प करोगे, लोगों की नीड्स को फुलफिल करोगे और बिजनेस बनाओगे. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के बाद क्रिएटिविटी लगाओ. देखो बिजनेस दो तरीके से बनता है, या तो आप कुछ नया लेके आ रहे हो या फिर जो ऑलरेडी चल रहा है उसको आप किसी नए फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ और नए फॉर्म से आप लेके आ रहे हो. तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, अपने आइडियाज़ लगाने हैं, ये दूसरी चीज़ हो जाती है. तीसरा क्या होता है, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट. सर व्हाट इज़ इनोवेशन, इनोवेशन इज़ आपने क्या नया इनोवेटिव बनाया, आपने क्या चीज़ तैयार करी, है ना, और आपका प्रोडक्ट कैसा है. आपके प्रोडक्ट में आप गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, किस तरीके से आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट में वो क्या खास बात है कि वो कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके प्रोडक्ट पे आ रहा है. तो तीसरी चीज़ हो जाती है फिर प्रोडक्ट क्या बन के आया है, और चौथा होता है फिर आप प्रोजेक्ट कैसे करते हो, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करते हो, एक्सपेंशन कैसे करते हो, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हो, बिजनेस को आगे कैसे लेके जाते हो, ये आप इसके अंदर लिख देते हो. तो जब भी आपको एंटरप्राइज बनाना है या बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले शुरुआत होगी आइडिया से, अपॉर्चुनिटी से, फिर आप क्या करोगे, क्रिएटिविटी लगाओगे, क्रिएटिविटी लगाने के बाद फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, इनोवेशन करोगे और लास्ट में ग्रोथ सीख करोगे. ठीक हो गया. आओ सर अब देखो सबसे पहला क्या होता है, परसीविंग एंड सेंसेस एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी. मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड देन इनटू एन एंटरप्राइज. बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में जरूर लिख के आना है. द प्रोसेस जो सबसे पहले होगा, इट इज़ टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इनटू एंटरप्राइज. इसका चार्ट बना के आना, आइडिया से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से एंटरप्राइज. ओके उसके बाद क्या होगा, आप ये चेक करो कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ज़रूरत है, आप उसका क्या क्रिएटिव सॉल्यूशन बना सकते हो, आप क्या क्रिएटिविटी लगा सकते हो कि आपका बिजनेस खास बन जाए. तीसरी चीज़ क्या होती है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, यही तो आउटपुट है, है ना. मेन आउटपुट तो यही है कि क्या आपने जनरेट करा है. तो तीन चीज़ें हमारे पास किसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर. सबसे पहला क्या है, फर्स्ट वन इज नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, आप किस तरीके से नीड्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो. दूसरा, क्या आप क्रिएटिव सॉल्यूशन लगा रहे हो, क्या आप कुछ अलग प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो. और तीसरा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई गया. अब आता है बच्चों, आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर सकते हो. कहां पे आपको लगता है कि भैया, या हाउ टू सेंस अपॉर्चुनिटीज, आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पे अपॉर्चुनिटी है. अब कई लोग बोलते हैं कि भैया हम बिजनेस तो बना लें, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यहां से बिजनेस बनेगा. तो देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स कौन कौन से आपको हेल्प करते हैं टू सेंस अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सावधान इंडिया सवाल, एग्जामिनेशन में फैक्टर्स आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज. नंबर वन, द एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडियाज. देखो सबसे पहले होता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है,
क्या आप बदलाव लेके आ सकते हो, क्या आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, कॉम्पिटिटर से आगे क्या कर सकते हो, क्या इनोवेटिव बना सकते हो। तो सबसे पहले तो बेसिक होता है कि आप किस तरीके से लोगों की जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल आइडियाज, जनरल कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये मार्केट में ऑलरेडी चल रही होती हैं, वहां से बिजनेस बना सकते हो। फिर आप कहां से ढूंढते हो, अलग अलग सोर्सेस से, इंफॉर्मेशन से, मैगजीन्स में देखो, बुक्स में देखो, जर्नल्स में, सेमिनार्स अटेंड करो, दोस्तों से बात करो, देखो कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, कहां से बिजनेस बन सकता है। तीसरी चीज क्या होती है कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या विजन है, एक एंटरप्रेन्योर कितना क्रिएटिव है। तो यहां पे लिखा हुआ है थ्रू क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन विद द विजन ही कन्वर्ट सॉल्यूशन इनटू अपॉर्चुनिटी। क्रिएटिविटी से एंटरप्रेन्योर एक सॉल्यूशन दे सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, और एक विजन जो दूर तक की सोच सकता है वो वहां से बिजनेस जनरेट कर सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर आपको हेल्प करेंगे इन सेंसिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी इस टॉपिक को जानते हैं, जो साइंस वाले हैं या जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। जब भी एक बिजनेस होता है उस बिजनेस के आसपास बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो चल रहे होते हैं, वो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं लेकिन बिजनेस उसका कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये बोल देते हैं कि गवर्नमेंट कोई नया लॉ ले आया, लेट सपोज जीएसटी ले आया, तो जीएसटी सबको इम्पैक्ट करेगा लेकिन उसमें बिजनेस कुछ नहीं कर सकता। ये एक बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है। उसी तरीके से आपके कस्टमर का टेस्ट, डिमांड, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, फैशन, कोई टेक्नोलॉजी आना, कोई लीगल लॉ आ जाना, है ना, इंटरेस्ट रेट्स में चेंज हो जाना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाना, जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे बट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। उन सबको जोड़ो तो बिजनेस एनवायरमेंट बनता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस एंड कंडीशंस व्हिच आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस बट इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। अब जो बिजनेस एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो हमारे पास मेनली ये पांच हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं बेसिकली इसके अंदर पेस्टले, PESTLE, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, और इसको हम इकोलॉजिकल एक छठा भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में हम मेनली नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह लेते हैं, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज पांच तो मेन ही होते हैं, ठीक है। अब मैं पांचों का आपको डिफरेंस समझा देता हूं, ठीक है। सोशल होगा बेटा सोसाइटी से कंसर्न्ड, सोसाइटी से मतलब कितना बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ रहा है ना, सामाजिक क्या मोरल वैल्यूज हैं, उन पे बेस्ड कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, कोई ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है, उस पे बेस्ड कोई बिजनेस है, तो वो सब सोशल एनवायरनमेंट होता है। इकोनॉमिक होता है जिसके अंदर हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं, लोगों के पास कितनी इनकम्स हैं, कितना इन्फ्लेशन है, ये सब इकोनॉमिक में आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल आता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, जैसे आप ऑनलाइन ही आज पढ़ रहे हो, ये चीज आज से 20 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। आजकल ओवर द व्हाट्सएप सब कुछ चला जाता है, पहले पॉसिबल भी नहीं था, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है ना, तो कितनी सारी चीजें आ चुकी हैं। लीगल आता है जब कोई नए नियम आते हैं, कोई लॉज आते हैं, जीएसटी ले लो आप, है ना, उसके साथ साथ बिजनेस के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, अब कंपनीज एक्ट है, सेबी की गाइडलाइंस है, सब लॉ है, लीगल है सारी चीजें, राइट। पॉलिटिकल आता है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैसी है। अब अगर हम देखें तो हमारा नेबर है पाकिस्तान, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, राइट। अब पाकिस्तान में बिजनेस इतना नहीं ग्रो कर पा रहा, इंडिया में कर रहा है, रीजन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट ही उनकी, आज तक कोई एक भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं करा, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा। इस तरीके की चीजें होती हैं। आपकी कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्रीज से कैसे है, वो सारी चीजें पॉलिटिकल एनवायरमेंट का पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, कि आप कितने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कितने आपके पास अवेलेबल है रॉ मटेरियल, वो सब बच्चों इसमें आ जाता है। तो छह हैं और मेन पांच हैं, बट आपको पता छह के छह होने चाहिए। चलो भाई, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चों, एनवायरमेंट स्कैनिंग। सर व्हाट इज एनवायरमेंट स्कैनिंग? एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है अपने आसपास की चीजें देखना, हमारे आसपास कौन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कौन हमारे लिए थ्रेट है, कौन हमारे लिए वार्निंग है, कौन हमें परेशान कर सकता है, कौन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हर चीज एनवायरमेंट स्कैनिंग में आता है।
What is environment scanning? It refers to careful monitoring of internal and external environment of a business and detecting early signs of opportunities and threats. ठीक है, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्यों करनी पड़ती है भाई? सीधी सीधी सी बात है, जो इंसान पहले एनवायरमेंट को समझ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा. व्हाट्सएप आज भी नंबर वन चैटिंग ऐप है, जबकि और सारी एप्स में चैट्स आ गई हैं आजकल. हर ऐप में यू कैन चैट, बट स्टिल व्हाट्सएप इज द किंग. क्यों? एनवायरमेंट स्कैन करके सबसे पहले आ गया. बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप्स आ जाएंगे, लेकिन जोमैटो स्विगी तब भी सबसे आगे. क्यों? क्योंकि सबसे पहले आ गए, सबसे पहले बिजनेस सेंस कर लिया. तो एनवायरमेंट स्कैन करके ना आप अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले एक्सप्लॉइट कर सकते हो. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिखा हुआ है, इफ यू डोंट अडैप्ट यू डोंट एंड्योर इज द कोर आइडिया बिहाइंड एनवायरमेंट स्कैनिंग. ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू बी कंस्टेंटली अवेयर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस एंड अडैप्ट टू डू चेंजेस टू सर्वाइव एंड टू बी सक्सेसफुल. एनवायरमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो. तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ये मैंने आपको अभी बताया कि जो बिजनेस बहुत अच्छे से एनवायरमेंट को स्कैन करता है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है और वो सबसे आगे रह सकता है ना. हमारे देश में आज भी आप देखो, जो भी बिजनेसेस बढ़िया लेवल पे चल रहे हैं वो काफ़ी पुराने टाइम पे उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया होगा और उस अपॉर्चुनिटी से बिजनेस बना लिया होगा. दैट इज व्हाई दे आर नंबर वन. दूसरा क्या आता है बेटा, आप अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, अच्छी पॉलिसीज बना सकते हो जब आप एनवायरनमेंट स्कैन कर लेते हो. अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं बच्चों. स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है. ये दोनों इंटरनल होते हैं. इंटरनल का मतलब भाई मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं जानता हूं, वो इंटरनल है. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बाहर से आते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं. इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है बाबू कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल होगी, बाहर से आएंगी, थ्रेट्स बाहर से आएंगे. तो जब आप इनको बहुत अच्छे से देखते हो ना, तो आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज बनाते हो और सबको हरा सकते हो आप, राइट. तीसरा, आप रिसोर्सेज को इजीली टैप कर सकते हो. अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आपके लिए आसान है रिसोर्सेज को टैप करना. चौथा, परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो आप. आपको पता होगा कौन आपको कहाँ परेशान कर सकता है, कैसे आप ग्रोथ देख सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी पहले एक्सप्लॉइट करनी है, तो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस होगी. और जो बिजनेस ये सब कुछ करता है तो ऑफकोर्स उसका इमेज बिल्डिंग होती है, उसका रेपुटेशन अच्छा होता है, गुडविल अच्छा होता है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाता है, राइट. तो दैट इज व्हाई बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको अभी बताया, इंटरनल में आप अपनी स्ट्रेंथ, आप अपनी वीकनेसेस को देखते हो, और एक्सटर्नल में आप बाहर से आने वाली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हो. ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना. अब आता है बाबू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था अभी. तो जितने भी फोर्सेस जिसके अंदर बिजनेस चलता है उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं. इंटरनल होते हैं जो कंपनी के अंदर अंदर होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टू कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जैसे कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कितने लेवल्स बने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या रूल्स हैं, ये सब इंटरनल होते हैं, राइट. एक्सटर्नल में क्या आ जाते हैं आपके पास, माइक्रो लेवल पे तो आपके सप्लायर है ना, आपको किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, माल टाइम पे दे रहा है या नहीं दे रहा है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, कॉम्पिटिटर किस प्रकार का आपका कॉम्पिटिटर है, इंटरमीडियरी कौन होते हैं आपके, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, वो कितना अच्छा काम करते हैं. तो ये आपके माइक्रो लेवल पे इंपैक्ट करते हैं. मैक्रो लेवल पे जो बड़े लेवल पे पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल, ये मैंने आपको सारे समझा दिए, ठीक है जी. पता होना चाहिए आपको फैक्टर्स. लो भाई प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इकोनॉमिक में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सोशल में, कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल में, कौन कौन सी इकोलॉजिकल में, कौन कौन सी लीगल में. ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार बस रीडिंग लगाएंगे, आप समझ जाओगे इसको आसानी से, ठीक है, डन है. अब आता है बेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सर व्हाट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? देखो, कोई भी बिजनेस अगर बड़ा हुआ है, कोई भी बिजनेस अगर बना है, तो उस बिजनेस के अंदर एक चीज कॉमन होगी कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा. अब प्रॉब्लम सॉल्व तो तब करूँ ना जब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो, है ना. मुझे लगा कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों को
बहुत ज़रूरी है और कोई भी इतने अच्छे तरीके से विद प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। प्लस बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं बट दे आर ओनली टीचर्स। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे पता है कि क्या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने खुद 3 से 4 बिजनेसेस बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक एंटरप्रेन्योर को आती हैं। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को डिटेल में जानता हूँ, मुझे फंडिंग वगैरह ये सब मैंने प्रैक्टिकली देखी है, तो आई नो हाउ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स। तो मेरे लिए प्रैक्टिकल पढ़ाना आसान है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले एक बिजनेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। तो क्या लिखा है देखो, व्हेन देयर इज अ रोड ब्लॉक इन अ सिचुएशन व्हिच पोजेस अ कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्स यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन, दिस रोड ब्लॉक इज अ प्रॉब्लम। जब वहां पे किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रोड ब्लॉक है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन निकालना है। एंड व्हेन वन आइडेंटिफाई दिस रोड ब्लॉक, इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे करना है? नंबर वन, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपको क्लियरली दिखनी चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम है। दूसरा, फिर आप देखोगे कि कौन कौन सा टारगेट ग्रुप है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अब जैसे मुझे लगा कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो मुझे बनानी चाहिए। तीसरा, टू फाइंड द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फिर आपको देखना है कि इसका जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो कितना एक्सेप्टेबल है, क्या कस्टमर्स, क्या जिसके लिए भी मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए वो चीज़ सिमिलर जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इसके बाद बेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को क्यों, हम बेसिकली क्या यूज है? अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो इससे आप क्या कर सकते हो? नंबर वन, आप समझ सकते हो कि क्या नीड है और क्या प्रॉब्लम्स हैं मार्केट की। दूसरा, आप क्रिएटिव होके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में देख सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन लगा सकते हो। तीसरा, आप कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब प्रोडक्ट ध्यान रखना गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। चौथी चीज, जब आप कोई बिजनेस बनाओगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे इकॉनमी के लिए। पांचवा, आप देश की नेशनल इनकम बढ़ाओगे। भाई देश में जब भी कुछ प्रोडक्शन होगा, बिजनेस बनेगा, तो नेशनल इनकम तो बढ़ेगा ही ना, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आता है? आइडिया जनरेशन। सर व्हाट इज आइडिया जनरेशन? वो पीछे भी आया था अभी। क्या होता है आइडिया जनरेशन? जब हम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज को, है ना। आपके दिमाग में कोई चीज है, आपने दिमाग में ही छोड़ दी तो बस वो आइडिया बन के रह जाएगा, लेकिन वहीं से आपने उसमें अपॉर्चुनिटी सेंस करी, अपॉर्चुनिटी से एंटरप्राइज बना दी, तो आपने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस सर्वाइव कर लिया भाई। तो आइडिया जनरेशन बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, मैं अलग अलग कॉलेजेस में सेमिनार्स के लिए जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, भैया आपके माइंड में कोई आइडिया आए आप लिखा करो, आप हमेशा अपने पास एक डायरी रखा करो। मैं खुद रखता हूँ, मेरी डायरी अभी यहीं पड़ी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो देखो, ये मेरी डायरी है और मेरे माइंड में कोई भी आइडिया आता है ना वो इसके अंदर लिखा होता है। देखो जैसे मैं खोलता हूँ तो देखो कितने सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सब मेरे माइंड में आइडियाज आते हैं, मेरे माइंड में आइडिया आते हैं, मैं लिख लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैं इससे कुछ बड़ा बना लूँ, बट मैं एक बार लिख लेता हूँ, है ना। तो आइडिया जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया फील्ड्स क्या होती है? आइडिया फील्ड्स होती है बेटा कि किस फ्रेमवर्क से आप काम कर रहे हो या आप किस तरफ सोच रहे हो। आपका माइंड तो इतना डीप है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, कितनी चीजों के बारे में सोच रहे हो, वो आइडिया फील्ड्स हैं, राइट। देखो क्या लिखा है, आइडिया फील्ड्स आर कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडियाज। हम किस तरीके से अपने आइडियाज को एक सही डायरेक्शन में ले जाके काम कर सकते हैं उसको आइडिया फील्ड्स बोलते हैं। इट हेल्प्स इन एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ थिंकिंग। इसके बाद आता है बेटा आइडिया फील्ड्स, कहाँ कहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, राइट। देखो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, आइडिया आप जनरेट कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे, जैसे फ्लावर्स पे, मेडिसिनल हर्ब्स पे, हॉर्टिकल्चर पे, मिनरल्स पे, मैराइन पे, कहीं से भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो अपॉर्चुनिटी सेंस करके। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको ही किसी नए तरीके से पेश कर सकते हो, उनको ही किसी नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अब कितने सारी पिज्ज़ा की कंपनीज आपके आसपास हैं, पिज्ज़ा तो एक ही है ना, हर किसी ने बस अपना टेस्ट, अपना पैटर्न, अपना स्टाइल प्रेजेंट करा, तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही और डेवलप कर रहे हैं। तो दो तरीके से आइडिया जनरेशन बिजनेस होगा, या तो नेचुरल रिसोर्सेज से या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस से।
तीसरी चीज क्या आ रही है, क्या सर कोई मार्केट और डिमांड ड्रिवन आइडियाज भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे फैशन हो गया, आप गारमेंट्स वगैरह ले लो, मार्केट और डिमांड ड्रिवन है, फैशन वाली चीजें हैं। चौथी चीज क्या हो सकती है, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज होते हैं कि भैया आप बना बनाया सामान खरीदो और उसको बेचो, सिंपल, आपको बनाना नहीं है, बना बनाया लाओ उसको बेचो। तो नेचुरल रिसोर्सेज से आइडिया जनरेट कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, कोई मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री हो सकता है, कोई ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो सकता है कि भैया खरीदो और बेचो। उसके बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में फूड सेक्टर ले लो, टूरिज्म ले लो, है ना, इसके अंदर हम लोग पर्सनल ग्रूमिंग ले सकते हो, पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत सारे सैलून्स हो सकते हैं, आजकल बहुत सारे मेकअप आप लोग देखते हो बहुत ट्रेंडिंग रहता है, नेल एक्सटेंशंस हो गए, नेल आर्ट हो गए, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसपे काम हो सकता है। क्रिएटिव एफर्ट्स लगा सकते हो, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस डेवलप करना, है ना, कोई नया प्रोसेस ढूंढना मैन्युफैक्चरिंग का, तो कुछ क्रिएटिविटी लगा के भी आइडिया जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास टॉपिक ट्रेंड स्पॉटिंग। सर व्हाट इज ट्रेंड स्पॉटिंग? ट्रेंड स्पॉटिंग होता है कोई भी नया ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि भाई इस तरफ हमारा देश जा रहा है, है ना। जैसे आप समझ लो कि पहले नॉर्मल ज्वेलरी फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो ट्रेंड स्पॉटिंग का मतलब यही है कि आप पहले से कोई ट्रेंड देख रहे हो कि कस्टमर किस तरफ जा रहा है, ग्राफ देख रहे हो, उससे फिर बिजनेस जनरेट कर रहे हो। क्या है? इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ट्रेंड्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन द एंटरप्रेन्योर कैन कम अप विद सम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस, फिर आप उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या सर्विस को बना सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों ट्रेंड्स आप कैसे स्पॉट कर सकते हो। नंबर वन, रीड ट्रेंड्स, रीड करो, देखो जरा क्या छप रहा है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। इसके लिए अब नॉर्मल मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स नहीं, बिजनेस मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स पढ़ो। दूसरा, टॉक ट्रेंड्स, लोगों से बात करो, मार्केट्स में जाओ, देखो लोग क्या चाह रहे हैं। एंटरप्रेन्योर शुड पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स, टेस्ट द एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग टूल्स, वॉच ट्रेंड्स, ऑब्जर्व करो, थिंक ट्रेंड्स, अपना दिमाग लगाओ। तो ट्रेंड कैसे ढूंढ सकते हो? बाय रीडिंग, बाय टॉकिंग, बाय वॉचिंग, बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। सर क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्या होता है? पहला स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होगे कुछ नया नहीं ला पाओगे। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव टू बिल्ड समथिंग क्रिएटिव, राइट। तो अपना दिमाग लगाओ, कुछ नया लेके आओ, कुछ अलग लेके आओ, वो इसमें आ जाता है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, सर क्रिएटिविटी में क्या चीज हो सकती है? तो सबसे पहले वही है, हमेशा देखो एंटरप्रेन्योरशिप में जितनी भी चीजें आएंगी ना वो सब आइडिया से शुरू होगी। तो सबसे पहले इसमें भी क्या है, आइडिया जनरेशन। सबसे पहले तो आप आइडिया लेके आओ, है ना, कि आपके दिमाग में क्या है, वहां से आप क्या बना सकते हो। फिर क्या करना है, मार्केट रिसर्च करो, यानी उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। देखो मार्केट में क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड में है ये, क्या लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आप इनक्यूबेशन में आ जाओ। इनक्यूबेशन का मतलब अब आपको अपने आइडिया पे काम करना है और उसको प्रैक्टिकल शेप देना चालू करना है। सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसको एक्सप्लोर करो। उसके बाद एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब है रियलाइज करना, अब उसको एक्चुअल में अपने सामने देखो फुलफिल होता हुआ कि कितने अच्छे से आप काम कर पा रहे हो। और जब रेडी हो जाए फिर होता है वेरिफिकेशन, अब टेस्ट करो कि जो आपने सोचा था एक्चुअल में वो बन के आ भी गया है या नहीं बन के आ गया है, है ना। जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया होगा, फिर मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा, मार्केट रिसर्च करूंगा कि भैया कितने कस्टमर होंगे, कहां से सप्लायर आएगा, पैसा कहां से आएगा, बनाने वाले लेबर कहां से आएगी, वो सब। उसके बाद फिर ट्रांजिशन पीरियड, काम चालू हो जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर आप उसको एक रियलिस्टिक वे में अपने सामने बनता देखोगे और फिर आप वेरीफाई करोगे कि ठीक से बन गया है या नहीं बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ एन आइडिया इनटू एन एप्लीकेशन विच हैज कमर्शियल वैल्यू। आप कोई नई चीज लेके आते हो, आपके आइडिया से आपने कुछ इनोवेटिव, कोई ऑनलाइन चीज बनाई, कोई ऑफलाइन चीज बनाई, उसको हम लोग इनोवेशन बोल देते हैं। अब देखो इनोवेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी एनालिटिकल प्लानिंग। एनालिटिकल प्लानिंग का क्या मतलब है भैया, आइडेंटिफिकेशन करो क्या बनाना है, डिजाइन ढूंढो, रिसोर्सेज ढूंढो, ठीक है। अब रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, रिसोर्सेज को अप्लाई करो, रिसोर्सेज से रिसर्च प्रोड्यूस करो, रिसोर्सेज से सिर्फ आइडिया ही नहीं प्रैक्टिकल कोई चीज़ बनाने की कोशिश करो।
और लास्ट में फिर हम लोग उसको कमर्शियली एप्लीकेशन उसका देखते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू दे रहा है क्या कस्टमर्स को, कस्टमर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ बन के आई है जो कस्टमर्स के लिए यूजफुल है, क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पा रही है, तो ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा बेसिक चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाता है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आपके पास जो भी किताब है एक बार उससे रीडिंग लगाओ, देखो उसके अंदर यही सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी और उसके अंदर दो दो लाइन बस एक बार पढ़ो समझो और अपने पास सेट कर लो उसको। 6 बजे तक का टाइम है, याद कर लो और 6 बजे फिर आपको मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।